हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत दिनों बाद मैं एक बहुत बेहतरीन वीडियो लेके आया हूँ, क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल पे मैंने आपको बहुत सारा एडवाइस दिया है और मुझे काफ़ी खुशी होती है जब लोग कमेंट करते हैं और मुझे कॉल करते हैं, यू नो दे रीच आउट टू मी और बोलते हैं भैया आपका एफर्ट बहुत अच्छा है और आप अच्छा काम कर रहे हैं और उनको रिजल्ट भी मिल रहा है। ओके, और आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज आई रियली वॉन्ट टू डेवलप अ टेंटस कम्युनिटी जो बहुत लोग को हेल्प करे इन फ्यूचर में। बिकॉज जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी तो आई थिंक बहुत कम यूट्यूबर है, आई गेस मेरा ऐसा मानना है इंडिया में तो खासकर ऐसे बहुत सारे यू नो बहुत कम यूट्यूबर है जो जेन्युइनली एडवाइस करते हैं लोगों को और यू नो लाइक इनका इतना यू नो लाइक इतना डाइवर्स ओपिनियन नहीं है, डाइवर्स इन द सेंस की लाइक उनका मानना है कि टेंटस इज सिर्फ साइकोलॉजिकल, मेरा ऐसा मानना बिल्कुल नहीं है। और जो लोग मेरे प्रोग्राम में इनरोल्ड हुए हैं जो मेरे ग्रुप में उनको पता है टेंटस इज बोथ साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल, टेंटस इज साइकोसोमेटिक डिजीज। ओके, सो आई गेस यू नो आई वॉन्ट टू शेयर वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन विद ऑल यू विद ऑल ऑफ यू गाइज। ओके, सो आज का टॉपिक है क्योंकि मैंने अपने चैनल पे बहुत लोग को बताया है कि आपको टेंटस में क्या नहीं करना है। ओके, सो इस वीडियो में आई वॉन्ट टू शेयर दैट आपको टेंटस में क्या नहीं करना है, वॉट नॉट टू डू इन टेंटस। ओके, बिकॉज बहुत तो मेरे एडवाइस फॉलो कर रहे हैं, उनको रिजल्ट भी मिल रहा है और बहुत लोग को दे यू नो लाइक सी मेरा ऐसा मानना है कि आप जब तक यू नो आपको स्ट्रेस क्यों होता है, बिकॉज यू हैव लैक ऑफ नॉलेज। जिस दिन आप टेंटस का फंक्शनिंग को समझ जाएंगे आपको यू नो लाइक आपके लिए टेंटस को डील करना बहुत आसान हो जाएगा। और यू नो लाइक इस मार्केट में आई थिंक इस पूरे टेंटस इंडस्ट्री में बहुत कम लोग हैं जिनविनली इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में जो बहुत समझते हैं टेंटस को फ्रॉम द वेरी वेरी कोर। ओके, और मैं नहीं मानता हूँ कि मैं इसका बहुत बड़ा एक्सपर्ट हूँ, पर जितना मेरा इन्फॉर्मेशन है मैं यू नो आई एम नॉट क्लेम कि मैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट हूँ, पर जितना मैं इसे बनता है जितना मैंने समझा है टेंटस को और जितनी मेरी जर्नी रही है जैसे मैंने अपने टेंटस को ठीक किया है, मैं कोशिश करता हूँ कि वो नॉलेज आपके साथ शेयर करूँ। ओके, सो मैंने यू नो आई हैव मेड अ लिस्ट। ओके, आप देख सकते हैं। ओके, ऑब्वियसली जब मैं यू नो लाइक मैं मेन स्ट्रीम यू नो मीडिया से बहुत दूर रहता हूँ, ओके जो मेन स्ट्रीम यू नो लाइक यूट्यूबर्स है और मेन स्ट्रीम जो लोग हैं उनसे बहुत दूर रहता हूँ मैं। ओके, बहुत लोग मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हैं फॉर व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, बट आई फील अगर मेरे इस चैनल से अगर इस पूरे वर्ल्ड में आई थिंक 100 चैनल होंगे यूट्यूब टेंटस के जिसमें से 90% सिर्फ नेगेटिव बात करते हैं और 10% चैनल है जो यू नो लाइक पॉजिटिव लोगों को होप देता है, तो आई गेस ये हमारा यू नो लाइक कर्तव्य बनता है, इट इज़ आवर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम उन सभी लोग को हेल्प करें। ओके, और मैं ऐसा नहीं बोल मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल आप मेरे चैनल को फॉलो करें, इंडिया में और में भी कुछ लोग हैं। ओके, और यू नो बाहर में भी लाइक यू नो लाइक जूलियन कोवेनहिल हो गया, लियम स्टॉपटेंटस हो गया, जोई रेमिनी हो गया, एलिस मोई हो गई और ये बहुत सारे लोग हैं जो अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं। ओके, और इसके अलावा यू कैन ऑल्सो फॉलो फ्यू फंक्शनल मेडिसिन डॉक्टर डॉक्टर एरिक बर्ग, डॉक्टर जोई डिस्पेंसा, डॉक्टर हुबरमैन जो अच्छा काम कर रहे हैं आपको अगर अपने हेल्थ के बारे में जानना है तो। ओके, सो इट वॉज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि आप इन सब लोगों को सपोर्ट करें बिकॉज एक तो ऑलरेडी बहुत नेगेटिविटी है, तो अगर ये लोग प्रयास कर रहे हैं कि कुछ अच्छा करने का तो आई थिंक ये आपका कर्तव्य बनता है कि आप इनको सपोर्ट करें और इंस्टेड ऑफ क्रिटिसाइजिंग देम ये आपका बिकॉज यू नो बहुत लोग को मिला रिजल्ट ऑब्वियसली सी लोग अभी समझ रहे हैं। ओके, टेंटस को यू नो अभी टाइम लगेगा समझने में। ओके, सो जितना भी एफर्ट हुआ है और जो लोग हेल्प कर रहे हैं आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एज अ टेंटस कम्युनिटी उनको सपोर्ट करें ग्रो करने में। ओके, बिकॉज आई थिंक जितने पॉजिटिव सक्सेस स्टोरी आएंगे उतना होप आएगा। ओके, द प्रॉब्लम विद टेंटस कम्युनिटी इज कि आपने कमेंट देखा 10 साल पहले का कि आई एम सफरिंग फ्रॉम टेंटस सिंस 10 ईयर्स। ओके, बट द प्रॉब्लम इज उस इंसान को या उस बंदे को टेंटस से इम्प्रूवमेंट होता है और फिर वो आके अपना अपडेट नहीं देता है। ओके, ओके, ऐसा नहीं कि उसको टेंटस 10 साल से है। जो लोग को टेंटस हो रहा है वो आते हैं सोशल मीडिया में यूट्यूब पे कमेंट करते हैं मुझे टेंटस हुआ है, और जब वो टेंटस ठीक होता है तो वो कमेंट बैक करने नहीं आते कि मेरा टेंटस ठीक हो गया, द प्रॉब्लम यहाँ पे है। ओके, तो आई गेस एक फंडामेंटल इश्यूज है हमारे टेंटस कम्युनिटी में कि जिनका टेंटस इंप्रूव होता है वो लाइक यू नो वापस आके अपना जर्नी शेयर नहीं करते हैं। ओके, आई गेस 90-95% इंप्रूवमेंट इनको हो रहा है, तो प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है कि आप आएँ और अपना स्टोरी शेयर करें फेसबुक में व्हाट्सएप में ताकि बहुत लोग को होप मिले। ओके, सो आज का टॉपिक है व्हाट नॉट टू डू इन टेंटस। ओके, मैंने लिस्ट बनाया है। ओके, सबसे पहला पॉइंट है कॉन्स्टेंटली असेसिंग मेजरिंग योर टेंटस ऑलवेज। अगर आप अपने टेंटस पर रिसर्च कर रहे हैं पीएचडी कर रहे हैं उसके साउंड को लेके कितना बढ़ा कितना घटा, तो आई थिंक ये दिस इज़ नॉट
अगेंस्ट द यू नो प्रिंसिपल ऑफ न्यूरो प्लास्टिसिटी। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने टिनिटस को बार बार मेजर करना, नापना बंद करें। और ख़ासकर जो नए लोग जिनको टिनिटस हुआ है वो क्या करते हैं कि टिनिटस होता है और वो एक रूम में जाते हैं, रूम बंद करते हैं, पंखा बंद करते हैं, खिड़की बंद करते हैं और टिनिटस को सुनने का प्रयास करते हैं कितना बड़ा या घटा। बट ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है, ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है बिकॉज आप उस न्यूरॉन्स को और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। ओके तो ये और प्रॉब्लम आपको दे सकता है। सेकेंडली एक्सट्रीमली इमोशनल वोलेटाइल, आप इतने इमोशनली अनस्टेबल हैं जब आपका टिनिटस कम होता है तो आप बहुत खुश हो जाते हैं और टिनिटस जब बढ़ता है तो आप यू नो बहुत दुखी हो जाते हैं। तो इस बात को समझें कि ये एक यू नो लाइक फंडामेंटल इश्यूज है टिनिटस में। आप जब तक इमोशनल रिएक्शन देंगे आपका इंप्रूवमेंट टिनिटस में नहीं होगा। आप उसको इमोशनल रिएक्शन देना बंद कर दें। ओके तो प्लीज यू नो लाइक यू हैव टू बी और इसका आई थिंक द की इज मेडिटेशन। ओके थर्ड इज ऑलवेज रशिंग थ्रू द प्रोसेस। जो प्रोसेस आपको बताया गया है, जो प्रोसेस मैं अपने प्रोग्राम में शेयर करता हूँ लोगों के साथ या जो मैं यूट्यूब पर एडवाइस देता हूँ, इस बात को समझिए कि टिनिटस ठीक होने में आई गेस इट टेक्स 8 to 9 months और किसी किसी लोगों को 1.5 से 2 साल भी लगता है डिपेंडिंग अपॉन देयर एज, डिपेंडिंग अपॉन देयर कंडीशन। ओके तो आई गेस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप समझिए कि टाइम तो लगेगा। आपने अपने बॉडी को जितने लंबे समय तक फिजिकली और मेंटली अब्यूज़ किया है उतना टाइम लगेगा एंड क्रॉनिक इश्यूज रिक्वायर्स क्रॉनिक टाइम। तो यू नो आपको ये जो बोल रहा है कि मैं 3 महीने में टिनिटस ठीक कर दूंगा, 15 दिन में कर दूंगा, आई डोंट नो हाउ बट डेट इज़ नॉट फिजिकली और यू नो इमोशनली फिजिबल। होता है बहुत लोग का इम्प्रूवमेंट होता है और वो उनका इम्प्रूवमेंट होता है इनका पहले से फिजिकल और मेंटल लाइफ हेल्दी होता है। दे आर यू नो वेरी वेरी फिजिकली हेल्दी, देर इमोशनली वेरी वेरी हेल्दी और यू नो बाई चांस टिनिटस हो गया तो उनका इम्प्रूवमेंट जल्दी होता है। ओके जिनका स्लीप अच्छा होता है उनका इम्प्रूवमेंट जल्दी होता है। तो बहुत कम केसेस में 6 महीने के अंदर लोगों को इम्प्रूवमेंट होता है पर मैक्सिमम 90% केसेस में आपको टिनिटस ठीक करने में टाइम लगता है। ओके और इस बात को समझिए कि जितना आप रश करेंगे उतना प्रॉब्लम होगा। ओके फोर्थ इज कंपेयरिंग योर जर्नी विद समवन एल्स। वी आर बायो इंडिविजुअल। अगर आप देखेंगे द प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा तो वी आर डिवाइड इनटू 3 कैटेगरीज वात पित्त एंड कफ। सबका प्रकृति सबका नेचर अलग है तो यू कैनॉट कंपेयर। सबका कंडीशन अलग है, सबका एज अलग है, सबका यू नो लाइक यू नो आप जिस लेवल पे आप अपने बॉडी को फिजिकली और मेंटली अब्यूज़ किए हैं वो लेवल अलग है। तो अभी कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जिसकी किसी और की जर्नी आपका जर्नी को लाइक यू नो आपका जर्नी उसको मिला रिजल्ट 1 साल में तो आपको मिल जाएगा 8 महीने में या 1 साल में। तो इट शुड बी डिफरेंट फॉर एवरीवन बिकॉज वी आर बायो इंडिविजुअल और सबका बॉडी डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करता है। ओके आई गेस प्लीज स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ विद समवन एल्स। सबकी जर्नी अलग है। ओके यू कैन टेक एडवाइस फ्रॉम हिम, आप उसे सीख सकते हैं कि आप उसने क्या ऐसा किया है। यू नो आप देखेंगे द बेसिक फंडामेंटल्स आर वेरी वेरी सेम। ओके द पॉइंट जिसको मिल रहा है रिजल्ट टिनिटस में दे आर वेरी वेरी कंसिस्टेंट एंड डेडिकेटेड, एक वो होता है सिमिलैरिटी। बाकी प्लीज स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ विद समवन एल्स बिकॉज ये सबकी अलग अलग जर्नी है, वी आर बायो इंडिविजुअल। आप यू नो लाइक ही नहीं बोल सकते हैं कि अच्छा उसको मिला 6 महीने में तो मुझे क्यों लग रहा है समय 8 महीने का। तो ये आपकी बॉडी पर डिपेंड करता है। ओके फिफ्थ इज सेटिंग अ डेडलाइन फॉर टिनिटस। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं टिनिटस को ठीक कर दूंगा 2024 तक 25 तक तो यू आर डूइंग अ वेरी वेरी यू नो लाइक ट्रमेंडस यू नो प्रॉब्लम यू नो प्रॉब्लम है यू नो प्रॉब्लम टू योर हीलिंग जर्नी। ओके दिस यू नो वेरी वेरी डिट्रीमेंटल एक्चुअली बिकॉज आप अपने नर्वस सिस्टम को डिक्टेट नहीं कर सकते हैं। ओके और इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रोवाइड अ डेडलाइन। ओके समझे इस बात को कि टिनिटस को अगर आप ठीक करने के पीछे पड़ेंगे तो टिनिटस आपको ठीक कर देगा। सो इट विल टेक टाइम, प्लीज डोंट यू नो लाइक समय डोंट यू नो टैग अ टाइम लाइन। ओके it will eventually go off, it will improve, you will get back your life, but it will ultimately take time, remember this. Okay and this is going to be a very you know like not an easy process. Okay and sixth is fucking with your sleep. Okay please mind my word, agar apne sleep se compromise kar rahe hain to aap lambe samay tak aapko tinnitus ko jhelna pad sakta hai. Okay I think I keep telling everyone sleep is the most underrated you know, like thing. ओके मोस्ट अंडररेटेड लाइक की टू गेट साइलेंस एंड मैनी पीपल इग्नोर दिस। ओके प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड स्लीप इज मेडिसिन। ओके एंड डूइंग मोर एट सिंगल टाइम। ओके डूइंग मैं बता रहा हूँ बार बार लोगों को मैं एडवाइस देता हूँ अपने ग्रुप में, डूइंग लेस इज गुड एज कम्पेयर टू डूइंग मोर इन दैट। आपके नर्वस सिस्टम को यू नो लाइक इट्स
बिल्कुल पसंद नहीं है कि आप मल्टीपल चीज करें एक बार में। देखता हूँ कि कुछ लोग क्या करते हैं, योगा, ग्राउंडिंग, सनलाइट, ठीक है आप सब कुछ करें, जब आप योगा कर रहे हैं तो फिर जिम ना जाएं, जिम जा रहे हैं तो योगा ना करें, मेरे आपको यू नो एक एडवाइस रहेगा। आई गेस दिस इज द यू नो एडवाइस, एंड ट्राई वन थिंग एट वन टाइम। ओके, लाइक अगर आप जा रहे हैं एक्यूप्रेशर सेशन में या न्यूरो थेरेपी के लिए जा रहे हैं, तो प्लीज़ आप पहले उस पर फोकस करें कि आप यू नो आपका बॉडी को यू नो बिल्कुल पसंद नहीं है बर्नआउट। ओके, ये जो सोसाइटी है इट विल ऑलवेज प्रमोट अ हसल कल्चर, बट ट्रस्ट मी आपके नर्वस सिस्टम को पसंद नहीं हसल कल्चर। ओके ओके, और यू नो नाइन्थ इश्यू है ऑलवेज फोकसिंग ऑन डाइट। मैं तो बहुत परेशान हूँ उससे, मैं बार बार लोगों को बोलता हूँ कि डाइट एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है, और मेरा जो प्रोग्राम चलता है उसमें मैं लोगों का डाइट कस्टमाइज करता हूँ अकॉर्डिंग टू देयर बॉडी टाइप। इस बात को समझें आप, सो डाइट इज़ वेरी वेरी इंडिविजुअल। अगर आपको गट इशू है, आपको कॉन्स्टिपेशन है, आपको डायरिया है, तो उनका एक यू नो एक अलग है डाइट प्लान। ओके, सो प्लीज़ ट्रस्ट मी, डाइट इज़ अ वेरी वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द इंटरेस्ट। आप डाइट फॉलो कर रहे हैं, अपना स्ट्रेस मेंटेन नहीं कर रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, योगा नहीं कर रहे, सनलाइट नहीं कर रहे, तो कोई मतलब नहीं उसे डाइट का। ओके, सो अगर दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आप समझें कि डाइट इज अ वेरी वेरी डाइट इज अ वेरी वेरी स्मॉल रोल टू प्ले, 10 to 15% इफ आई गेस यू नो, अगर बात करते हैं 100% में। ओके, एंड टेंथ इज स्टॉप रनिंग आफ्टर मल्टीपल ईएनटीज। आप एक दो बार ईएनटी से दिखा ले, ऑडियोग्राम कर ले, सिटी स्कैन, एमआरआई स्कैन, जो टेस्ट आपको बोलता है कर ले, पर बार बार ईएनटी चेंज करने से यू विल नॉट गेट सोल्यूशन। आई गेस ईएनटी आपको हेल्प कर सकते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन में, और अगर आपके ईयर में कोई फिजिकल इशू नहीं है देन दे कैन नॉट हेल्प यू, ऐसा मेरा अनुभव रहा है। तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि स्टॉप रनिंग आफ्टर मल्टीपल ईएनटीज, ईएनटीज आर नॉट गोइंग टू हेल्प यू। ओके, एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, लुकिंग फॉर अ मैजिकल सप्लीमेंट, लुकिंग फॉर अ मैजिकल पिल, लुकिंग फॉर अ मैजिकल मेडिसिन। सर मैं बार बार लोगों को बोलता हूँ कि मेरे ग्रुप में या मेरे प्रोग्राम में मैं तो इंटरेस्ट नहीं करता हूँ, आई फोकस ऑन देयर इशू। ओके, आपके बॉडी में जो इशू रिवॉल्व कर रहा है, और ये हो सकता है कि मल्टीपल इशू, नॉट अ सिंगल इशूज, आप उस पर काम करें, एंड एज अ रिजल्ट आप देखेंगे कि आपका बॉडी को यू विल स्टार्ट इम्प्रूविंग। सो दिस इज माई ओपिनियन। सो आई गेस आपको वीडियो पसंद आया होगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें सारे इंटरेस्ट कम्युनिटी के साथ। ओके, एंड इफ यू डू वॉन्ट टू सपोर्ट मी, यू कैन ज्वाइन माई व्हाट्सएप ग्रुप, माई मेंटरशिप प्रोग्राम, इट्स ओपन टू एवरी वन राइट नाउ। ओके, और मैंने बहुत ही यू नो लाइक स्मार्टली बहुत ही मैंने लाइक प्राइस जो सेट किया है वो बहुत अफोर्डेबल प्राइस है। आई ऑल्सो गिव स्टूडेंट डिस्काउंट, आई ऑल्सो गिव ई एम आई ऑप्शन, ताकि कोई पीछे ना छूटे, जो गरीब से गरीब है, और इन लाइक ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मेरे पास आते हैं जो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ओके, डिपेंडिंग अपॉन देयर कंडीशन आई ऑल्सो एड देम टू फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, सो ऑब्वियसली बिकॉज वी आई एम डेवलपिंग दिस कम्युनिटी, मैं खुद समझ लेता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में हमारा क्लासेस होता है, तो हमारा यू नो लाइक वी हैव मल्टी वीकली क्लासेस, वी हैव वन टू वन सेशन, तो ऑब्वियसली टू मेक दिस कम्युनिटी, टू हेल्प दिस कम्युनिटी, आई गेस जो लोग सपोर्ट कर सकते हैं वो आगे आए, मेरे प्रोग्राम को ज्वाइन करें, और अगर यू नो लाइक प्लीज़ सपोर्ट माई चैनल। ओके, तो आई गेस ये मैसेज है, ये बहुत लोग को मिलेगा, येस देर इज अ होप एट द एंड ऑफ द टनल। ओके, यू हैव टू बी वेरी वेरी पेशेंस विद दिस। सो आई गेस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। टिल देन, सी यू नेक्स्ट गाइस, थैंक यू।